जनजाति के आरक्षण निजी विश्वविद्यालयों, निजी प्रतिष्ठानों और संविदात्मक भर्ती में लागू किया जाना चाहिए। पांचवा है, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करके आयोग द्वारा परीक्षा लेकर की जानी चाहिए, ना कि वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली द्वारा। छठा है, जिला डिंडोरी की सीमा क्षेत्र में अपर नर्मदा परियोजना, राघोपुर मरवारी पावर परियोजना, बसनिया बहु उद्देशी परियोजना, अपर बुढ़नेर परियोजना, खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना, डिंडोरी मध्यम सिंचाई परियोजना विठल दे जैसे बड़े बड़े बांध बनाकर आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित किया जा रहा है, जिससे पांचवी एवं छठी अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित किया जा रहा है, जिससे पांचवी और छठी अनुसूची समाप्त होने का खतरा निर्माण हो गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में आंशिक विस्थापन मुक्त परियोजनाओं का निर्माण किया जाए। सातवा है, 1947 को मिली आजादी और हमें 1950 में मिले अधिकारों के बावजूद विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को उनके जल जंगल और जमीन से विस्थापित किया गया। संगठनों के माध्यम से जो संयुक्त मोर्चा बनाई गई थी उसके माध्यम से आज जो ज्ञापन हम सौंप रहे हैं उसका विवरण इस तरह से है। ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त मोर्चा जिला डिंडोरी, ज्ञापन पत्र दिनांक 21 अगस्त 2024 प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। दूसरे, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री। छह साल बाद एक बार फिर एससी समाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चौकर उठ रहा है और आज 21 अगस्त को पूरे भारत में भारत बंद कर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं। कुछ ऐसा ही डिंडोरी में भी एसटीएससी के संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। यही हम सहयोगियों से बात करते हैं कि इन्हें क्या दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से और किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है क्रिमिनल को लेकर के, जिसमें यह है कि जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो एक व्यक्ति को एक ही बार रिजर्वेशन का लाभ मिलने का प्रावधान किया गया है, ऐसा है क्या संविधान में? क्या है भारतीय संविधान में कि अनुच्छेद 341 और 342 सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, अच्छा, यह है भारतीय संविधान इजाजत नहीं देता कि आप संविधान ने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के खिलाफ में कोई भी निर्णय नहीं होना चाहिए। पूर्व में 20 वर्ष पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही यह निर्णय दिया था कि किसी प्रकार का आरक्षण में क्रीमिलियर नहीं किया जाए, लेकिन 1 अगस्त को उन्हें क्रीमिलियर आरक्षण क्रीमिलियर का जो आदेश आया, आदेश आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हम देश में क्रीमिलियर आरक्षण व्यवस्था पर लागू नहीं करेंगे। लेकिन हमारी मांग यह है कि संवैधानिक व्यवस्था ये कहती है कि संसद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप अध्यादेश पारित करके कानून बनाकर के लागू किया जाए। हम इसलिए जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। हाँ, जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी किससे होनी चाहिए, सबको बराबर कर। अब आप जातियों में वर्गीकरण के खिलाफ हैं? जाति वर्गीकरण के खिलाफ है, देश में जो भी जाति जितनी भी, हम एससी एसटी की बात नहीं कर रहे, सभी जातियों का जनगणना हो और सबको उनकी मौलिक अधिकार उनकी जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी भी लगा। अच्छा, जैसे क्रीमिलियर लागू होती है एससी एसटी में तो क्या दिक्कत होगी? आप ये देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद से आज तक मध्य प्रदेश में 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख की भर्तियां अभी भी खाली हैं। अगर ये क्रीमिलियर चालू करते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसी वर्ग को है कि एससी एसटी में जो 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं वो पुनः क्रीमिलियर जब होगा तो वो जो वंचित तबके के लोग हैं, अभी ये वर्तमान में कहते हैं कि एससी एसटी में इस वर्ग का आदमी हमको न मिलने पर हम सामान्य वर्ग से इस पद की नियुक्ति कर रहे हैं, जो वंचित वर्ग है उसमें तो मिलना ही नहीं। सर, मैन वर्ग में नॉट फॉर सुटेबल का होता है तो हम संवैधानिक व्यवस्था के तहत संविधान ने जो व्यवस्था दी है उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के मांग कर ये जो आदेश है इस आदेश चिंतन विचार करते हुए इस आदेश को वापस लिया। ये थे हमारे साथ एसटीएससी संयुक्त मोर्चा के हरि सिंह मराली जी और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जो सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जाने चाहिए थे उसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है कि किस तरह से एसटीएससी का वर्गीकरण करके नॉट फॉर सुटेबल करके जो सुप्रत वर्ग है उन्हें अन्य कैटेगरी से भरने का सृजन किया जा रहा है।